जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सुमो, आप देख मेरे YouTube चैनल ब्रूटल सुमो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं सब मस्त रहोगे, हंसी खुशी जी रहोगे। तो गाइस मैं आपके लिए और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर हम लोग सबसे पहले उतरे भाई क्रिम्सन कैसल में। और भाई ये लैग भाई मजाक सट के, ये लैग भाई पूरे गेम को तबाह करते जा रहा है भाई। इतना ज़्यादा लैग होता है एंड जोन में भाई, आप देख लेना। इस वीडियो में मैंने दिखाया भाई, ज़्यादा नहीं 7 मिनट की वीडियो, तो भाई देख तो तुम लोग आराम से सकते हो, वरना भाई मैं मजाक सट के झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुमने नहीं देखी पूरी वीडियो तो भाई मैं शराब देता हूँ। जितना लैग अभी हो रहा है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा तुमको लैग होगा। अगर तुमको इस शराब से बचना है तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई हमारा सब्सक्राइब गोल है 200 सब्सक्राइबर का, जिसके लिए हमें बस चाहिए 41 सब्सक्राइबर। तो भाई प्लीज़ नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, क्योंकि देखो भाई उससे आपको सुनाई, मतलब एक को सुनाई कैसे ही देगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आएगी मेरी वीडियो की सबसे पहले, जैसे आप लोग वीडियो पहले देख सकते हो। इन केस फ्यूचर में हमने कोई गिव अवे किया तो उसके लिए आपको काम आएगा भाई बेल आइकन। मजाक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा। और भाई वीडियो पसंद आ रही है थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक भाई हमारी वीडियो को बहुत आगे पहुंचा सकता है भाई। भाई क्या पता आपकी एक लाइक की वजह से मेरी वीडियो वायरल चल जाए, तो हु नोस भाई, करके देख लो, मजा आएगा। तो फिलहाल गेम प्ले में आते हैं। पहले तो इस बंदे को यहाँ मारता हूँ, और इसको मारने के बाद अपने टीममेट्स को रिकॉल करने निकल जाता हूँ रिकॉल टावर के पास। पर जैसे ही यहाँ आता हूँ, तब तक ये बॉट का मेरे को इधर से फायर आता है, और इस बॉट ने एक दूसरे बॉट को नॉक किया। पर जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ, इसने अपने बॉट का किल कन्फर्म कर लिया। यार क्या मैं इतना बुरा हूँ कि बॉट भी अपना किल सिक्योर कर ले रहा भाई मेरे आते साथ, भाई पता नहीं भाई। फिर मैं अपने टीममेट्स को रिकॉल करके वापस पहुँचता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ आके दोबारा बंदों को मारना चालू कर देता हूँ। और गाइस अगर कोई नए व्यूअर हो जिसे समझ नहीं आ रहा भाई मेरे किल्स बार बार रीसेट क्यों हो जा रहे, तो भाई जैसा लैग चल रहा है तो भाई से 20-25 किल तो होने से रहे, 20-25 तो मेरे डिवाइस के ऐसे भी औकात के बाहर है। तो भाई मैं 5-6 किल करता हूँ, उनको कंपाइल करता हूँ बहुत सारे मैचेस को, 4-5 मैचेस को, और उससे आपके लिए गेम प्ले वीडियो बना के लाता हूँ भाई। यहाँ कुछ झूठ नहीं दिखाया जाएगा भाई, जो दिखाया जाएगा सच दिखाया जाता है भाई। ऐसा नहीं ना कि आप लोगों को गेम प्ले दिखाने के लिए भाई मैं अनरैंक्ड में लगा लिया मैच, या फिर बॉट लॉबी खेल रहा हूँ नीचे गोल्ड टियर वाली, ना ना ना। हमारी लॉबी होती है भाई प्रॉपर सीजन रिसेट होने के बाद। अभी हम लोग डायमंड में है, ज़्यादा दिन तो वही नहीं, पर डायमंड से क्राउन पहुँच ही जाएंगे जल्दी से जल्दी। अब क्या होता है, नीचे देखो एक बगी वाला आया था, तो उसको तो पहले मैं मार देता हूँ। फिर ये जो मेरे नीचे बंदा था, ये अंदर जा रहा होता है, तो इसको भी मैं नॉक करता हूँ, और इसको नॉक करके भाई सीधा चला जाता हूँ इसकी पेटी डालने। अब देखो भाई अभी रजिस्टर नहीं हुआ डैमेज, जैसे ही मैंने गन बंद कर ली भाई, अपना फायर रोक दिया, उसके बाद भाई होना चालू हो गया इसको डैमेज। अब देखो सामने वाले बंदे के साथ भी सेम सीन, पहले मारा डैमेज नहीं लगा, जाके वो मेरा टीममेट से मर गया भाई। यहाँ पे मैं रोता रह गया बस, लास्ट मेरे को कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आता हूँ एक आध बॉट को उस बगी से कुचलने के बाद, यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं पोचिंकी की तरफ। पहले इस बॉट को कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ और क्या ही करेंगे भाई। पोचिंकी नहीं भाई, मैं तो भूल गया, पहले हम लोग नोवो के पास आए हुए हैं, क्योंकि देखो ब्रिज, ये एक ब्रिज बोल रहा हूँ, जोन इधर से ही कटा। और इस बंदे को जो मैंने स्प्रे मारा भाई, टन 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 बंदे का हेलमेट फाड़ दिया। फिर इसका टीममेट आता है, इसको भी 2 हेड मारता हूँ। पता नहीं इन बंदों को इतना हेड बॉडी मारने के बाद भी सारे ये लोग मर क्यों नहीं रहते, अभी भी इन पे हेलमेट है बताओ यार। फिर मैं यहाँ रश करने आता हूँ, मेरा टीममेट एक को नॉक निकाल देता है, और भाई लैग देख सकते हो भाई, लैग होना चालू हो चुका है, जिसकी वजह से और क्या ही होगा भाई, वन यू नक जाता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं पोचिंकी में। भाई पोचिंकी में पहुँचे, पीछे एक बॉट मुझे परेशान करने आया होता है, तो सबसे पहले तो उस बॉट के ऊपर अपनी M249 चला के टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ भाई M249 लच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं यहाँ मेंशन के पास, मेंशन के पास। अब यहाँ देखो सामने एक बंदा खड़े हैं, एक बंदा खड़ा है, वो उसका उसको मैं नॉक करता हूँ। फिर यह उसका जो टीममेट होता है, उसको मेरा टीममेट नॉक कर देता है। और फिर यहाँ नीचे भी थोड़े बहुत बंदे लड़ रहे होते हैं, और तब तक भाई मेरे टीममेट को एक बंदा यहाँ सांप बन के डस देता है। तो भाई मैं सीधा यहाँ आता हूँ, आराम से देख लेते। मेरे टीममेट ने मुझे बता दिया था कॉल की भाई बंदा पेड़ पे है। जैसे मैं इधर आता हूँ, मुझे बंदे का हल्का सा सर दिखता है, तो मैं M249 नहीं है भाई, ये MG3 चला देता हूँ, और बंदा मर भी जाता है। अब बस यहाँ थोड़ा थोड़ा लैग देखो, और देखो अभी वाला लैग तो कुछ नहीं, वीडियो की एंड में जो लास्ट जोन का लैग है भाई, वो लैग से तुम नहीं बच सकते, ना ना ना। अब देखो यहाँ पे ये एक बंदा सांप बन के बैठा होता है, जिसने मेरे टीममेट को डसा, मैं इसको नॉक कर देता हूँ। पर फिर क्या होता है ना भाई, मेरे को किसी इसका टीममेट दूर से मार देता है। फिर हम लोग वापस आते हैं इस वाले ये क्रिम्सन कासल के अंदर, नाम का कासल है सारा, कुछ है तो नहीं, अंधेरे से तो भरी हुई है। वो जो आदि पुरुष आई थी ना, उसमें जो सोने की लंका को काला दिखाया गया था, उससे भी ज़्यादा काला तो यहाँ पे ये क्रिम्सन कासल दिखता है मुझे। फिर यहाँ पे एक आध बंदे मिल जाते हैं भाई आपके भाई को, उसके बाद इन बंदों को मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने भी वाले होते हैं। पर पहले इसको मार लेता हूँ। फिर क्या होता है, नीचे मेरे को फुट आते हैं, मेरे टीममेट भाई मेरे को थोड़ी गाली दे रहा होता है कि भाई इस बार तू कवर देने नीचे नहीं आया तो बहुत मारूंगा। और मैं जैसे नीचे आया, मैं तो नॉक हुआ ही हुआ, मेरा टीममेट अलग नॉक हुआ। फिर हम लोग पहुँचते हैं यसनाया, अब यसनाया पहुँचते हैं, पहले तो एक बॉट को यहाँ मारता हूँ। फिर अब देखो मेन बिल्डिंग चाहिए यसनाया में होती है, जो ये पुलिस
स्टेशन होता है या जो भी होता है, इसकी छत पे एक बंदा था। अब देखो इस बंदे को एक हेड मारा, दूसरी गोली भी हेड दी पर वो रजिस्टर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गेम नहीं चाहता मुझे किल मिले। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उसकी पेटी से यहाँ से ग्रोजा उठा के लाता हूँ, फिर इस बंदे को मारता हूँ। और इस बंदे को मारने के बाद इसके दो टीममेट जस्ट दीवार के उस पार बैठे होते जो मुझे नहीं पता चलते, पर मुझे जैसे ही पता चला भाई मेरे एक रैंडम टीममेट ने भाई इन दोनों को चटका दिया। अब इनको मारने के बाद यहाँ देखो मैं जा रहा था हंसी खुशी, अब देखो सामने से आ गया एक बंदा लैंड करके मेरे टीममेट के मुंह पे। अब एज अ गुड टीममेट भाई ये मेरा फर्ज है कि मैं उसको कवर फायर दूँ, तो जो मैंने उसको कवर फायर दिया। पर कवर फायर से क्या फ़ायदा होता है भाई, मेरा टीममेट इधर उधर कूद रहा था, मुझे तीन मैगजीन लगी उस बंदे को नॉक करने में, बंदा इतना छटपटा रहा था, पर लास्ट में मुझे मेरा किल मिल ही जाता ये वाला। फिर अपना ये किल कंफर्म करने के बाद हम लोग सीधा रश कर देते भाई वो मेन जो ये पुलिस स्टेशन था। अब भाई ऊपर एक बंदा है, अब भाई यहाँ से ही अब इसके बाद से बस थोड़ा थोड़ा लैग देखना चालू होगा आप लोग को। इस बंदे को मारने के बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं मिल्टा के पास। मिल्टा के पास वो जो एक कंपाउंड होता है जहाँ स्क्वाड हाउस होते हैं, हम लोग वहाँ पे रश कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे अचानक से यूएस दिखती है और एक बंदा मेरे को चढ़ते हुए दिख रहा था खिड़की पे, तो हम लोग सीधा गाड़ी ठोकते हैं। मेरा टीममेट यहाँ स्टाइल मारने के लिए गया, आगे नॉक हो जाता है, मैं अपने टीममेट को कवर फायर देता हूँ। और फिर तब तक इसका एक और टीममेट आता है जिसमें मेरी ग्रोजा काम नहीं करती है। पर अब भाई अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैं तो रिवाइव हो गया, अब सामने से होवरक्राफ्ट जा रहा होता है। भाई मुझे भी चलाना है भाई होवरक्राफ्ट, मजाक करके बहुत मन कर रहा है, मिलता कहाँ है मुझे वही नहीं पता। फिर इस होवरक्राफ्ट पे अपना लेजर स्प्रे देने के बाद मैं यहाँ आता हूँ लूट करने पर, तब तक मेरे को पता चलता है बंदा नॉक हो चुका है। अब भाई यहाँ पे बस अब लैग देखो आप लोग, वो किल तो मुझे मिलता नहीं पर अब ये लैग बस ऐसा बताओ, ऑलरेडी मेरा डिवाइस देता है भाई मेरे को 30 FPS, उसमें तुम ऐसा लैग एक्स्ट्रा दे रहे हो तो भाई मैं क्या करूँ। सोचो इसमें मैं अपना लेफ्ट से राइट देख तक नहीं पा रहा हूँ। ये FPS प्रॉपर एक होता है भाई, 90 FPS वाला का तो फिर भी 10-15 तक थोड़ा देता है कि तुम हाँ चलो लेफ्ट राइट कर सकते हो भाई। अब देखो बस यहाँ पे मेरे सामने बंदा है और बस यहाँ देखना मैं किस बेरहमी से मरता हूँ भाई। बस यार क्या बोल सकते हो, कमेंट में बता दो यार, मेरे लिए सिंपैथी जगी तो, वरना मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मरने के बाद लैग ठीक हुआ है भाई, मर के मैं क्या ही करूँगा इस लैग का। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।